गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जाना है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब यानी कि घन, इसको हिंदी बोलते हैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 या 9m+8। वही सवाल है जैसा पिछले में स्क्वायर की बात की गई थी, यहाँ पर क्यूब की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि हमको ये दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग बिल्कुल पिछले वाले मेथड की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट अस कंसीडर, जो कि क्वेश्चन में इंटीजर की बात हो रही है, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर स्मॉल a, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, स्मॉल a वी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव टू प्रूव दैट, अब चूँकि इंटीजर के क्यूब की बात हो रही है, देन वी हैव टू प्रूव दैट a क्यूब, ये a का क्यूब है, a क्यूब कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। तो अब चूंकि हमें यूज़ किसका करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसकी एक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है और b से हमेशा छोटी होती है। फ्रेंड्स, अभी इससे पिछली वीडियो में, मैंने दोनों वीडियो में आपको ये बताया है कि हम लोग v की वैल्यू वो लेते हैं जो इस अल्फ़ाबेट के संग में लिखी होती है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के संग में यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर बी की वैल्यू 9 लेंगे तो हमारे कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, एक जब हम लोग वी की वैल्यू 0 लेंगे, एक जब हम लोग वी की वैल्यू कितनी लेंगे 1 लेंगे, कितने केस बनेंगे मैं आपको लिख के बताता हूँ। जब यहाँ पर हम लोग वी की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे और ये 8 रखेंगे, क्योंकि 9 से कम रखना है तो 8 तक जाएंगे। तो यानी कि कितने केस बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमें कितने केस शो करना है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो यानी कि हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिसमें ये 9 वाला हम लोग उसको शो भी करके दिखा दें और हम कम से कम केस में अपना सवाल प्रूव कर सकें, क्योंकि 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 3 करेंगे। तो आइए देखते हैं, पुटिंग v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने इन इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, आप v की वैल्यू 3 रखूँगा। तो देखिए a इक्वल टू a, तो a ही रहा, v की जगह पे मैंने 3 रख दिया है और q की जगह पे q ही है और r एज इट इज़ है, वेयर q इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, बट यहाँ पर b था लेकिन हम b की जगह पे कितना रख चुके हैं, 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब नाउ हेयर फॉलोइंग केसेस अराइज, अब यहाँ पर कितने केस, ये केसेस बनेंगे, पहला केस क्या होगा, केस फर्स्ट व्हेन आर की वैल्यू 0 होगी, केस सेकंड व्हेन आर की वैल्यू 1 होगी, और केस हमारा थर्ड व्हेन आर की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, हमको इक्वेशन को क्या दे रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या रखा, इस वाली इक्वेशन में हम लोग आर की जगह पे 0 रखेंगे केस फर्स्ट के लिए, तो जब यहाँ पे आर की जगह पे 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू 3q, तो वही हमारा क्या आ गया, देन ए इज इक्वल टू 3q। अब इसी ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, आर की जगह पे 1 रखेंगे केस सेकंड के लिए, तो जैसे यहाँ पर आर की जगह पे 1 रखा तो ए इज इक्वल टू 3q+1, तो वही आ गया, ए इज इक्वल टू 3q+1। और केस थर्ड के लिए इस वाली इक्वेशन में हम लोग आर की जगह पे 2 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 3q+2। अब चूंकि हमें क्या, क्यूब की बात कही जा रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ दी साइड्स, केस फर्स्ट में भी यही करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ दी साइड्स, केस सेकेंड में भी यही करेंगे, और मैंने यही चीज़ को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया फॉर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, इसका मीन्स भी यही है, ऑन क्यूबिंग बोथ दी साइड्स। तो भाई जब ए का क्यूब किया तो ए क्यूब हो गया और 3 का मैंने होल क्यूब कर दिया, 3 और ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब। इसी तरीके से ए का क्यूब ए क्यूब हो गया और 3q+1 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ए का क्यूब ए क्यूब हो गया और 3q+2 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहा, इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 हो गया। और क्यूब क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, तो यानी कि क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहा,
अब ए प्लस बी का अगर आप लोगों को फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। क्या होता है फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, मैंने ये आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। तो मैंने ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। तो देखते हैं, तो थ्री क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। फिर वन का यानी कि वन का क्यूब करेंगे तो वन ही रहा। फिर आपका कितना है थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि थ्री का मल्टीप्लाई ए के संग और फिर बी वाले का स्क्वायर। तो पहले थ्री का थ्री क्यूब के संग मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन क्यूब और वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। तो नाइन क्यूब का जब वन के संग करेंगे तो वन ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है थ्री ए स्क्वायर बी यानी कि थ्री इंटू, अब ए वाले का आपको स्क्वायर करना है तो थ्री इंटू और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन क्यूब स्क्वायर। तो 3 इंटू नाइन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर और इंटू वन यानी कि 27 क्यू स्क्वायर ही रहा। तो ये मैंने यहाँ पर a प्लस बी वाला a प्लस बी का होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लगाया है थ्री क्यूब प्लस टू का मैंने यहाँ पर होल क्यूब एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो थ्री क्यूब का होल क्यूब कितना होता है 27 क्यू क्यूब, टू का क्यूब कितना होता है 8 होता है। फिर क्या होता है थ्री ए बी स्क्वायर तो 3 इंटू थ्री क्यूब 9 क्यूब और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 क्यू और इंटू फोर 36 क्यू ही रहा। फिर क्या होता है थ्री ए स्क्वायर भी, अब थ्री इंटू इस वाले का स्क्वायर करो तो थ्री इंटू नाइन क्यू स्क्वायर कितना हो गया 27 क्यू स्क्वायर और इंटू टू यानी कि 54 क्यू स्क्वायर। बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ही मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब एक्सप्लेन किया है और मैंने यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, मैं 27 क्यू क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू थ्री क्यूब, भाई लिख सकते हैं। जब आप 9 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 27 क्यू क्यूब हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग 27 क्यू क्यूब को 9 इंटू थ्री क्यू क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे, अब देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्योंकि मुझे सब में 9 को बाहर लिखना है। तो मैं इस वाले टर्म में इसमें से और इसमें से मैंने 9 कॉमन निकाला, तो मैंने जब इसमें से 9 कॉमन निकाला तो कितना बचा 27 में से जब आप 9 कॉमन निकालोगे तो 9 3 से 27 होता है तो यहाँ पर 3 बचा और क्यू क्यूब एज इट इज़ रहा। फिर यहाँ से आपने क्या किया है 27 में से आपने फिर से 9 निकाला है तो 3 बचा और क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहा। यहाँ पर 9 क्यूब था क्योंकि आपने 9 बाहर निकाल लिया तो आपका यहाँ पर क्यू बचा है, ठीक है। और ये वाला आपका प्लस का वन मैंने पीछे लिख दिया एज इट इज़, वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, ए क्यूब एज इट इज़ रखा है। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 27 क्यू क्यूब में 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मैंने 9 कॉमन फिर से निकाल लिया। यहाँ से जब मैंने 9 कॉमन निकाला तो 27 से जब आप 9 कॉमन निकालोगे तो 3 बचेगा और क्यू क्यूब आपने एज इट इज़ रख देना है। फिर 54 में से जब आप 9 कॉमन निकालोगे तो 9 6 या 54 होता है तो यहाँ पर 6 बच जाएगा और क्यू स्क्वायर आपने एज इट इज़ रख दिया है। फिर 36 क्यू में आप क्या करोगे जब 9 को कॉमन निकालोगे तो 9 4 या 36 होता है तो यहाँ पर 4 बचा और क्यू एज इट इज़ रख दिया। और ये वाला जो प्लस का 8 है वो मैंने यहाँ पर प्लस को एज इट इज़ रख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था ए क्यूब एज इट इज़ रखा, 9 को मैंने एज इट इज़ रखा और यहाँ पे मैंने 3 क्यू क्यूब को मैंने क्या मान लिया है एम एन मान लिया है और यहाँ पर इस ब्रैकेट वाली चीज़ को मैंने क्या रखा है एम टू मान लिया है। 9 मैंने ऐसे ही रखा और प्लस का 1 मैंने ऐसे ही रखा है। फिर यहाँ पर क्या किया ए क्यूब एज इट इज़ रखा है, 9 को एज इट इज़ रखा और इस ब्रैकेट वाली पूरी चीज़ को मैंने एम थ्री मान लिया है और प्लस का 8 मैंने ऐसे रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है वेयर एम वन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ एम वन की वैल्यू, यहाँ पर मैंने क्या ली है थ्री क्यूब क्यूब, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है वेयर एम टू इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़, यानी कि एम टू की वैल्यू क्या रखी है मैंने एम टू इज इक्वल टू थ्री क्यूब क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यही देखो हमारी ब्रैकेट वाली चीज़ है, सेम यही चीज़ को मैंने बस एम थ्री टू लिख दिया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है वेयर एम थ्री इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ एम थ्री की वैल्यू मैंने कितनी रखी है थ्री क्यू क्यूब प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू, यही वाली ब्रैकेट की चीज़ को मैंने एम थ्री लिख दिया है। अब लास्ट लेंस, वैसे मैं हर क्वेश्चन में वही लिख रहा हूँ, फिर से वही लिख देंगे हैंस वाई एवव एक्सप्रेशन। एवव एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है, ये जो मैंने ब्रैकेट की चीज़ लिखी हुई है इन वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले से और इस वाले से, हैंस वाई एवव एक्सप्रेशन क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
कैन बी इन द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9m प्लस 8 है, यहाँ पर 9m प्लस 1 है और यहाँ पर 9m है। तो यानी कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।